हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था तब सिर्फ मैंने 285 ही नंबर आए थे और बायोलॉजी में सिर्फ 145 ही स्कोर किया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार जब नीट की एग्ज़ाम दी तब मैंने बायोलॉजी में ही सिर्फ 346 स्कोर किया। तो आप समझ सकते हो कि पहली बार मेरा जितना टोटल था उससे ज़्यादा तो मैंने इस बार एक ही सब्जेक्ट में स्कोर किया। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि हम कैसे बायोलॉजी में अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो यार, 360 में से 330 मार्क्स का तो एनसीईआरटी में से ही आता है, तो अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के कोई अदर मॉड्यूल करने का सोच रहे हो तो तुमसे नीट नहीं निकलेगा। एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ में तो एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है। करेक्ट टेक्निक टू रीड एनसीईआरटी। देखो यार, तुम क्या करते हो, एनसीईआरटी के नोट्स बना के उसमें से पढ़ते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि मेन टॉपिक मिस हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एक बार टॉपिक को रीड करना है। सपोज़ कोई टॉपिक है जीनेटिक्स, तो आपको क्या करना है, उसको एक बार रीड कर लेना है और उसके बाद उसके MCQ सॉल्व करने हैं जो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, और MCQ की बहुत सारी बुक्स भी आती हैं तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। MCQ सॉल्व करने से तुम्हें पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे MCQ आते हैं। MCQ सॉल्व करने के बाद तुम्हें उसका एनालिसिस करना है। अगर तुम्हें एनालिसिस नहीं किया तो MCQ सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमारे MCQ सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। PYQ सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।